उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर 22 मई से ऑरेंज जोन के जिला न्यायालयों के खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके लिए नया दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने बताया कि जनपद न्यायाधीश के दिशा निर्देश में लॉकडाउन के नियमों के प्रावधानों के दृष्टिगत 22 मई से कोर्ट में वादों का निस्तारण किया जाएगा। कोर्ट परिसर में प्रवेश के दौरान सभी न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और वादकारियों को थर्मल स्कैनिंग करनी होगी। इस दौरान कोर्ट में मोटर क्लेम, पारिवारिक वाद, पास्को एक्ट सहित अति आवश्यक वादों की सुनवाई की जाएगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण राहुल कुमार सिंह ने बताया। जानते हैं कि जो हमारा गोरखपुर जनपद है वो ऑरेंज जोन में आता है। इस संदर्भ में हमारे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा काफी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उस दिशा निर्देश के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा कल दिनांक 22 से गोरखपुर जनपद को माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप खोले जाने का निर्णय लिया गया है। कल जो न्यायालय खुल रही हैं उसमें मूल रूप से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का न्यायालय, ऐसे न्यायालय जो विशेष अधिकारिता के हों, फैमिली कोर्ट जो परिवार न्यायालय हैं, सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन के साथ साथ हमारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के भी न्यायालय कल से खुल रही है। सर, अधिवक्ताओं के आने का या वादकारियों को प्रवेश करने के लिए प्रशासन कुछ अलग से व्यवस्था है इस तरह? अधिवक्ताओं के आने के लिए हमारे जो जनपद न्यायालय के जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पे उनसे उनका एक एक कर जिन अधिवक्ताओं के वाद वहाँ लगे होंगे कॉज लिस्ट के अनुसार उनको वहाँ से एंट्री दी जाएगी। उससे पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। केवल वही अधिवक्ता इस न्यायालय परिसर में आ सकते हैं जिनके मामले की सुनवाई विभिन्न न्यायालयों द्वारा की जानी है। जहाँ तक वादकारियों को अंदर आने की प्रश्न है, किसी भी वादकारी को अंदर आने से मना ही नहीं है जब तक कि वो किसी बीमारी से ग्रस्त न हो। लेकिन पीठासीन अधिकारी को भी अधिकार होगा कि वो चाहे तो किसी भी वादकारी को ऐसे अधिवक्ता या न्यायालय में आने के लिए अनुमति दे सकता है। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग पे जोर दिया गया है। हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी स्तर पे न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। कभी भी हम सोशल डिस्टेंसिंग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तथा राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा जो भी COVID-19 महामारी के विरुद्ध जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पूर्णतः पालन करते हुए न्यायालय परिसर में कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जो कल से न्यायालय खुल रही है उसमें हमारे बेल, ऐसे बेल जो पहले से पेंडिंग चले आ रहे हैं या जो नए बेल हैं, ऐसे व्हीकल रिलीज, गाड़ी रिलीज, पेटी ऑफेंसेस जिसमें छोटे मोटे चलान, उन सब का निस्तारण इसमें होना है। इसके अतिरिक्त ऐसे जमीन दीवानी मामले जिसमें स्टे पर स्टे की सुनवाई होनी है, जो जमीन जमीन से संबंधित मामले हो, ऐसे सारे मामलों का सुनवाई कल से इस जनपद गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में होना है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी ड्रेस कोड पे विचार किया है। माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप किसी भी न्यायिक अधिकारी को गाउन व कोट पहनना अनिवार्य नहीं है। वो चाहे वो शर्ट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन सकते हैं। महिला न्यायिक अधिकारी सोवर ड्रेस यूज कर सकती है। सर, काफी दिनों न्यायालय बंद था तो कुछ अधिवक्ता भी आएंगे, कुछ वादकारी भी होंगे जिनके मुकदमे लंबित होंगे, उनको एक बहुत आस होगी कि हमारे मुकदमे का निस्तारण होगा, तो क्या करेंगे इन लोगों से? नहीं, हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का ये मूल मंत्र भी है कि न्याय सबको मिले और इसी न्याय को और सुलभ बनाने के लिए इस न्यायालय परिसर में COVID-19 के दिशा निर्देशों को पूर्णतः पालन करते हुए न्याय प्रदान किया जाएगा और हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे यहाँ जो भी लिटिगेंट्स आए वो संतुष्ट होकर जाएं।
समय भी कोई निर्धारित किया गया है? समय वही जो पुरानी जो समय है उसी हिसाब से होगी, उसमें फिर जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे समय समय से माननीय उच्च न्यायालय से, उसी के अनुरूप आगे मामले की सुनवाई की जाएगी। सर एक चीज और है कि परिसर में जो गंदगी या इस तरह का व्यवस्था आएंगे दूर दराज से आएंगे उनके लिए कोई अलग से सैनिटाइजर या परिसर के सैनिटाइजर या इस तरह कोई व्यवस्था है? नहीं मान, जनपद न्यायालय में तो पूर्व से ही सैनिटाइजर का काम किया जा रहा है, फिर भी कल से जो न्यायालय खुल रही है उसमें यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए दिन प्रतिदिन न्यायालय खोलने से पूर्व उस पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा, उसको साफ सुथरा रखा जाएगा और पुनः जब दूसरे दिन न्यायालय खुलेगी तो उसको पुनः सैनिटाइज किया जाएगा। इस प्रकार वहाँ पे कोविड 19 महामारी के विरुद्ध जो भी दिशा निर्देश हैं उससे हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए उसका पालन कराएंगे और नियमित रूप से न्यायालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखेंगे। परिसर में प्रवेश करते समय थर्मल स्कैनिंग या सैनिटाइज करने की व्यवस्था है? बिल्कुल, थर्मल हमारे मुख्य जिला न्यायालय के मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है। कोई भी लिटिगेंट या अधिवक्ता थर्मल स्कैनिंग की जाँच उपरांत ही इस न्यायालय परिसर में उपस्थित हो सकता है।